एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बातें। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था कि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ, लेकिन बेबी मेरा छोटा है तो इतना कुछ हुआ नहीं और टाइम लग गया कुछ आने में। अभी भी पता नहीं कितना शेयर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना भी कर पाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो ये मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, कोई मतलब पूछेगा कि आप ये वीडियो क्यों बना रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको भी कुछ हेल्प मिले। जैसे कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर करके देखती थी, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो मैं यूट्यूब पे सब वीडियो सर्च कर करके देखती थी। तो मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ कि आपको भी शायद कुछ हेल्प मिले, मेरी वीडियो से कनेक्ट हो पाओ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्लाउड 9 हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी। तो किसी ने मुझे कमेंट पे पूछा था कि आप क्लाउड 9 का एक्सपीरियंस और कॉम्प्लिकेशंस क्या थे, सब कुछ में और प्राइस वगैरह सब कुछ शेयर कीजिए। तो क्लाउड 9 पे मैंने ज्वाइन किया था, मेरे प्रेगनेंसी जब 3rd मंथ का था तब। उसके पहले मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल पे ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आए, वो भी मैं किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं क्लाउड 9 के बारे में ही बोलना चाहती हूँ। तो क्लाउड 9 में मैंने 3rd मंथ पे ज्वाइन किया था और मेरी डॉक्टर जो है वो डॉक्टर नीता चौहान है, उनके साथ मैंने पूरा एकदम 9th मेरा जो पूरा फुल प्रेगनेंसी का पीरियड था उनके साथ ही मैंने बिताया। तो जो मैम है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी है। तो मैम हमेशा मुझे एक्चुअली मेडिसिन खाना ज़्यादा पसंद नहीं है और मैम एकदम कम मेडिसिन वगैरह देती थी, हमेशा ये चाहती थी आपके फूड पे इंक्रीज़ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और इससे मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है वो आपको हेल्प मिलेगा। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 ही मेडिसिन मेरे लिए दी थी, एक मतलब कैल्शियम का और एक आयरन का, फॉलिक एसिड जो बोलते हैं उसका मतलब एक टेबलेट दिया था, 2 टेबलेट ही मेरा चल रहा था, बाकी कुछ मेडिसिन गैस वगैरह वोमिटिंग का कुछ भी मेडिसिन मुझे नहीं दिया मैम ने। तो फिर अच्छा, तो वो तो हो गया मैम की बातें, अभी मैं शेयर करने वाली हूँ क्लाउड 9 हॉस्पिटल के बारे में। तो मैंने बोला था मैंने 3rd मंथ पे ज्वाइन किया था, तो 3rd मंथ पे एक स्कैन होता है, तो एक्चुअली 3rd मंथ पे स्कैन एक होता है, दूसरा होता है 5th मंथ पे और तीसरा होता है 7th मंथ पे, 8th मंथ पे और 9th मंथ पे मेरा बाकी सब स्कैन हुआ। तो क्लाउड 9 में एक पैकेज आता है कि आप अगर डिलक्स बोल के एक पैकेज होता है, अगर आप वो मतलब ले लेते हैं तो आपको मतलब 15,000 पे कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप मतलब 15,000 में आपके जितने भी स्कैन वगैरह होंगे मतलब फ्यूचर में, तो उनका कोई आपको पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और ये जो 15,000 है ये मतलब आपकी मतलब डिलीवरी जब होगी उसके प्राइस में वो ऐड हो जाएगी, मतलब डिलीवरी का चार्ज जितना भी आएगा वो इससे कैंसिल कर देंगे। और अगर आपका डिलीवरी मतलब क्लाउड 9 में नहीं हुआ तब क्या, तो आपका मतलब अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह आ गया और आपका मतलब क्लाउड 9 नहीं जा पाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो आपको मतलब कुछ पैसे काट के फिर आपको वो 15,000 रिटर्न कर देंगे। तो हमने ये पैकेज लिया और ये अच्छा है, अगर आप एक एक करके मतलब स्कैन का एक एक करके पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो ये 15,000 का हमने एक पैकेज लिया था, वो डिलक्स करके था और इसके अंडर ना बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि आपको फिजियोथेरापी का मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिशियन का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ इसके साथ जुड़ी हुई होती है जो आपको फ्री में ही आपको ऐसे मिल जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब वो पैकेज वगैरह ज़रूर लीजिए और उसे ट्राई कीजिए। तो ये तो हो गया स्कैन के बारे में, अभी मैं बात कर रही हूँ डिलीवरी चार्जेस के बारे में। तो एक्चुअली ना ये सब आपके मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना मतलब प्राइस का है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस 1 लाख का हुआ, फिर 1.5 लाख का हुआ, तो ये सब मतलब प्राइजेस, क्लाउड 9 का प्राइजेस सब आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपके 1 लाख का पैकेज हो गया तो आप जैसे रूम लेना चाहेंगे, जैसे 3 बेड का एक रूम होता है जहाँ पे 3 पेशेंट रहते हैं, ऐसे भी आप रूम ले सकते हैं अगर आपका पैकेज कम हुआ तो।
और अगर आपका पैकेज ज़्यादा है, जैसे 2 लाख और 2.5 लाख का पैकेज है, तो आप मतलब ऐसे ऐसे मतलब सिंपल डिलक्स रूम जो होते हैं, जहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है, वही आप मतलब ले सकते हैं। ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसा नहीं कि क्लाउड नाइन हो गया, कि आप क्लाउड नाइन हो गया तो फिर बहुत अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रांडेड है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्लाउड नाइन भी है, अगर डॉक्टर अच्छी नहीं है, तो आप मतलब बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले डॉक्टर चुनिए, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन आपके लिए मतलब आपके साथ, आप जिनके साथ एकदम फ्रेंडली हो, एकदम सब कुछ शेयर कर पाए, और आप मतलब बहुत अच्छे से आप घुल मिल जाए, ऐसे डॉक्टर हो, और साथ में हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रांड देख के, फिर सिर्फ क्लाउड नाइन हॉस्पिटल देख के आप ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मतलब डॉक्टर वगैरह इतना अच्छा नहीं रहा। तो सिर्फ हॉस्पिटल देख के आप ज्वाइन मत कीजिए, आप मतलब खुद से जांच करके, डॉक्टर वगैरह देख के फिर आप ज्वाइन कीजिए। बात कर रही हूँ क्लाउड नाइन के फैसिलिटीज़ के बारे में। जैसे क्लाउड नाइन में मैंने बोला था, फिजियोथेरापी का भी आपको मतलब पैकेज में आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिशियन का भी मिल जाएगा, फिर आपका डाइटिंग का जो है, आप क्या खाए ना खाए, फुल प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट, फिर इलेक्ट्रिशियन और जो डाइटिशियन होते हैं, उससे आपको मतलब फ्री से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वो पैकेज में ही आता है, आपको सब कुछ मतलब इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपको सब एक साथ में ही मिल जाता है। ये एक फ़ायदा है क्लाउड नाइन हॉस्पिटल का। कह रही हूँ मेरी एक्सपीरियंस के बारे में क्लाउड नाइन में। तो मेरी एक्सपीरियंस क्लाउड नाइन में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर क्लाउड नाइन आप ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर आपको खुद से भी, ऐसा नहीं है कि आप ब्रांड देख के चले गए और ब्रांड देख के आपका मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। आप खुद से जांच कीजिए। जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मैं बताऊँ, मुझे डॉक्टर फैसिलिटी बहुत अच्छा मिले, फिर वहाँ पे जो मेंटोर वगैरह है, जो आपको मतलब पैकेज वगैरह सब कुछ सजेस्ट करते हैं, वो सब भी मुझे सब कुछ अच्छा मिले। लेकिन मुझे कुछ नर्सेस वगैरह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, जो फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा इसके लिए, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी किसी रोज़। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ बैंड हो गया कि आप चले गए, ऐसा नहीं है। आप खुद से जांच कीजिए और खुद से आप मतलब अपने आपका हेल्थ और सब कुछ देखिए। बाकी तो क्लाउड नाइन एक्सपीरियंस, मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है क्लाउड नाइन के साथ। तो मुझे क्लाउड नाइन में बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन मैम का एक्सपीरियंस हो गया, फिर मेरी डॉक्टर तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और दूसरे जैसे कि फिजियोथेरेपी का मतलब डॉक्टर है, तो सब कुछ मुझे अच्छा ही हुआ। हमारे मेंटर जो थे, जो हमें मतलब ये सब पैकेज वगैरह फिर हमारा सब कुछ सजेस्ट करके दिया, वो भी सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी नर्सेस को लेके, मेरी डिलीवरी टाइम पे नर्सेस का मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम हुआ, मतलब नर्सेस के बहुत ज़्यादा एक ख़राब एक्सपीरियंस था, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा आफ्टर प्रेगनेंसी। 1 मंथ तक मुझे बहुत कुछ सफरिंग करना पड़ा वो नर्स की वजह से। तो मैं वो बाद में आपके साथ किसी रोज़ बाद में शेयर करूँगी। और एक दूसरा बैड एक्सपीरियंस था, जैसे मुझे ओटी के छोड़ने के बाद इमरजेंसी वार्ड में 2 आवर्स आई थिंक या 2 आवर्स के लिए रखते हैं, लेकिन मुझे रूम ही नहीं दिया गया। जैसे कि मैंने रूम तो मेरे 7 मंथ जब हुआ था, तब से मैंने रूम बुक करके रखा था, लेकिन जब मैं गई थी जैसे डेट पे गई थी, लेकिन मुझे रूम ही नहीं मिला। तो वो एक ख़राब एक्सपीरियंस था, मुझे और मेरे बेबी को इमरजेंसी वार्ड में ऑलमोस्ट 6 आवर तक ऐसे रख दिया। तो मतलब हस्बैंड थे और मेरी मम्मी लोग जो थे, वो बाहर बैठे हुए थे, मुझसे मिल नहीं पा रहे थे, मैं भी मिल नहीं पा रही थी। बहुत उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो फिर हस्बैंड ने कंप्लेन किया, क्या करें, कंप्लेन करना ही पड़ेगा, मैनेजर से कंप्लेन किया। फिर मैनेजर आए, फिर हमारा रूम दिया पूरे 6 और 7 आवर्स के बाद, जैसे कि 2 आवर्स रखते हैं इमरजेंसी में ओटी के बाद, लेकिन हमें 6 आवर्स के लिए, 7 आवर्स के लिए रखा उन्होंने। प्रॉब्लम आई थी इसके लिए। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है, यही मैं बोलूँगी, ये एक बैड एक्सपीरियंस है। क्लाउड नाइन के साथ जर्नी तो बहुत अच्छा है, अगर आप चूज़ करना चाहते हैं ज़रूर चूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। और पैकेज वगैरह देख लीजिए, इंश्योरेंस वगैरह भी देख लीजिए आप, और अगर डॉक्टर चूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से वो आपका डॉक्टर मतलब डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, ऐसे भी चूज़ कीजिए, ऐसे सब कुछ मिला के।
तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मैं मेरे हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस के बारे में मैंने शेयर किया। मुझे किसी ने कमेंट पे बोला था कि आप शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस और क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशन हुए और आपको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, फिर चार्जेस वगैरह के बारे में। तो वही मैंने आपके साथ आज शेयर किया। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, किसी दूसरे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो में। तो बने रहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप न्यू मॉमी है और मॉम टू बी है तो आप ज़रूर कनेक्ट कीजिए मेरे साथ और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। एक्चुअली ये जर्नी मेरा यूट्यूब का जर्नी बहुत ज़्यादा न्यू है मेरे लिए। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ और कैसे शेयर करूँ। जितना भी है मैं छोटा मोटा करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।